सो गाइस, सबसे पहले आपको एबी प्लेयर ऐप को इंस्टॉल कर लेना अपने फोन पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। अगर फ्रेंड्स डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तब आप हाउ टू डाउनलोड वीडियोस देख सकते हैं, वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। उसके बाद इस बॉक्स का आइकन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर लोड फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर देना है और मैं एक विजुअलाइजर का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, तो आपको उस विजुअलाइजर को यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। तो विजुअलाइजर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर विजुअलाइजर सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको कोई भी फाइल मैनेजर ऐप से विजुअलाइजर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं विजुअलाइजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब भी आप विजुअलाइजर को सिलेक्ट कर लोगे वो सबसे लास्ट फोल्डर पर आता है, तो उस फोल्डर को आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर वो विजुअलाइजर आप देख सकते हैं। तो आपको ऐसा काइनमास्टर में फैसिलिटी देखने को नहीं मिलता है जो कोई भी सॉन्ग के ऊपर आपका बार्स मूव करे। तो यहाँ पर ये सिर्फ एवी प्लेयर पर देखने को मिलता है, इसीलिए मैं एवी प्लेयर पर आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर थ्री लाइन पे क्लिक करके आपको लाइब्रेरी पे आ जाना है और जिस सॉन्ग पे आपको स्टेटस करना है उस सॉन्ग को यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। तो आपके मोबाइल पे जितने सारे सॉन्ग हैं सब यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद फिर से थ्री लाइन पे क्लिक करके आपको विजुअलाइजर पे आ जाना है। अब मैं आपको थोड़े से बार्स दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करना है, चूज प्रीसेट पे क्लिक करके 720 पिक्सल पे, और यहाँ पर आपको लिख लेना है 1080 और यहाँ पर आपको लिख लेना है 1920 और उसके बाद अपना टाइमिंग को सेट करके इसे एक्सपोर्ट कर लें। उसके बाद आपको काइनमास्टर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन पे या ओपन कर लेना है और यहाँ पर प्लस का आइकन पे क्लिक करके 9:16 रेशियो को ले लेना है। यहाँ पर आपको मीडिया पे जाना है और जिस फोटो पे आपको स्टेटस करना है उस फोटो को यहाँ पर इंपोर्ट कर दें। तो मैं फ़ोटो को इंपोर्ट कर देता हूँ। तो फोटो को इंपोर्ट करने के बाद आपको उस पर टैप करना है और जितना दूर स्टेटस करना चाहते हो उसका टाइमिंग को कर दें और यहाँ पर आपको पैन एंड जूम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इससे आपको क्लिक कर देना है और टू फिंगर से आपको कुछ इससे ऐसे करके बड़ा करना है, लाइक आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, UQL का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर से फोटो पर क्लिक करके आपको विनियट को एनेबल कर देना है। उसके बाद आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे चले जाना है और ये टेम्पलेट का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, तो आपको उसके बाद इसे इंपोर्ट कर देना है। तो मैं इसे इंपोर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर उसके बाद आपको फिट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले और नीचे पे आपको ब्लेंडिंग पर आ जाना है और स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद उस वीडियो में फिर से टैप कर लेना है और यहाँ पर उसका ऑडियो को म्यूट कर देना है। फिर से आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर चले जाना है और जो आप एवी प्लेयर से बार्स बनाएं उसके बाद उसे इंपोर्ट करना है। तो उसे इंपोर्ट करने के बाद आपको उसे भी फिट करना है, यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले, और उसके बाद नीचे पे आपको ब्लेंडिंग पर आ जाना है और यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और इसका एडजस्टमेंट के अंदर आने के बाद ये जो लास्ट का दो है इसे पूरा हाई तक कर दें। उसके बाद आपको फिर से लेयर का ऑप्शन पर जाना है, मीडिया का ऑप्शन पर जाना है और ये वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, तो आपको उसके बाद इसे इंपोर्ट करना है, ब्लेंडिंग पर जाना है, स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और जो वीडियो को है आपको कुछ ऐसा करके यहाँ पर रख लेना है और कुछ और थोड़ा बड़ा कर लेना है और यहाँ पर कुछ ऐसे रख लेना है, तो इससे और बड़ा कर लेना है। तो कुछ आपको इसे ऐसे रखने के बाद इसका ऑडियो को भी आपको म्यूट कर देना है। उसके बाद आपको लेयर के ऑप्शन पे जाना है, ओवरले पे जाना है और यहाँ पर अपना इंटरनेट को ऑन करके गेट मोर पे चले जाना है और यहाँ पर आपको ये वाला को डाउनलोड कर लेना है, मिस्टीरियस फॉग। तो इसे डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे लास्ट फोन नंबर वाला को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसे आपको पूरा एंड टाइम तक कर देना है और कुछ आपको इसे यहाँ पर ऐसे करके रख लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको लेयर का ऑप्शन पे जाना है, मीडिया का ऑप्शन पे चले जाना है और अपना एक लोगो को ले लेना है। अगर फ्रेंड्स आपको लोगो नहीं रहता है तो आप अपना यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो लोगो को पूरा एंड टाइम करके छोटा कर लेना है और कुछ इस बार्स का नीचे पर रख लेना है, तो मैं इस यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको लेयर का ऑप्शन पे जाके मीडिया का ऑप्शन पे चले जाना है और ये बॉर्डर का लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, उसके बाद आपको इस बॉर्डर को इंपोर्ट कर देना है और यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले में और फिट कर लेना है और इससे आपको पूरा एंड टाइम तक कर देना है। तो आपका स्टेटस बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ऐसे करके सिंपली आप बना सकते हो ये वाला स्टेटस। तो अगर फ्रेंड्स आप इससे भी खतरनाक एडिटिंग करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर एक वेबसाइट का, क्या वहाँ पर मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा जो एडिट कैसे करते हैं। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो कीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।